हमारा चैनल जैकपैक बॉयज, जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में पढ़ा, दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग. दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड इन दिस कार, और एवरीथिंग व्हाट आई डू इज समथिंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड इन दिस पर्टिकुलर कार. सो आई एम होपफुल आपको आज का एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आने वाला होता है. शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड. बॉयज, बातों की बातों की बातों की बात के मैं भी वैसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ टू अवर लोकेशन, टू हाशमी ऑटोमार्ट. तो मैं कुछ चीज़ सोच रहा था कि SUV जो है ना, मतलब स्पोर्ट्स कार्स भी रखी हैं मैंने, सेडान्स भी रखी हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके की गाड़ी चलाई है, रखी है, ऑन की है. उसमें जो SUV है ना, SUV लत है यार, अल्लाह की कसम SUV लत है. बिकॉज SUVs आर मेंट टू बी रिजिड. तो जो स्पोर्ट्स कार्स होती थी ना, जितनी भी स्पोर्ट्स कार मैंने रखी हैं या मैं रखता हूँ, उनमें मुझे बहुत ध्यान से वो गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं. कभी खड्डों की टेंशन, कभी रोड की टेंशन, कभी रास्ता भाई चूज़ करना पड़ता है कि अगर मुझे किसी लोकेशन पे जाना है तो मुझे रूट कौन सा लेना है. समटाइम्स 5-5, 8-8, 10-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जस्ट टू अवॉइड स्पीड बम्स या फिर गड्ढे या टूटा हुआ रोड. तो ये वाला सीन SUV के साथ नहीं है. प्लस SUV जो स्पोर्ट्स कार्स हैं वो खूबसूरत बनेंगी. SUV बनती है मॉन्स्ट्रस. तो एक जब मॉन्स्ट्रस चीज जब रोड पे चलती है ना, उसकी रोड प्रेजेंस ही अलग लेवल की होती है. ठीक है, प्लस कंफर्ट, प्लस यू कैन राइड विद योर फैमिली इन एन SUV. तो SUV की पॉजिटिविटीज बहुत हैं यार. मतलब मैं लिटरली मैंने सोचते सोचते सोचा कि अचानक से मोबाइल उठाया, मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं कि जो है ना वो SUV की जो रोड प्रेजेंस है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. अल्लाह तैयार है SUV. मतलब हर किसी के अलग अलग तरीके की ड्रीम कार्स होती हैं. मेरी भी बचपन से जो ड्रीम कार्स थी वो हमेशा दे हैव बीन स्पोर्ट्स कार्स एंड वेरी गुड लुकिंग कार्स. बट नाउ इट्स लिटिल बिट चेंजिंग टुवर्ड्स SUVs. और मेरी अल्टीमेट SUV जो मेरी ड्रीम कार है ना, वो है G-Wagon. तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा कभी जिंदगी में तो G-Wagon जरूर खरीदेंगे. खैर, अभी मूव होते हैं टुवर्ड्स हाशमी ऑटोमार्ट. सो बॉयज, हियर वी आर एट हाशमी ऑटोमार्ट फैसिलिटी. यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं अपने मार्कोर में HKS का कैटबैक एग्जॉस्ट सिस्टम. दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड. और शाहिद भाई जो है वो हमारे लिए अभी एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें लगाएंगे. तो शुरू करते हैं. हम आपको पहले सुनवाएंगे बिफोर की साउंड, फिर हम आपको आफ्टर की साउंड सुनवाएंगे, फिर और बिफोर और आफ्टर की फौरन सुनवाएंगे, ताकि आपको फ़र्क पता चले कि एक्चुअल में फ़र्क क्या है. गाड़ी जो है वो बहुत मॉन्स्ट्रस लग रही है, ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है. और इसके बाद इनके साथ एक और एपिसोड आने वाली है. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइम पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें. शुरू करते हैं हम अपना एग्जॉस्ट लगाने का प्रोसेस. और बातों की बात कमेंट्स में कूद जाओ और मुझे बताओ तुम इस गाड़ी में कौन कौन सी और मॉडिफिकेशंस देखना चाहते हो. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाइयों, सारे कमेंट्स. सो बॉयज, हम लोग अनबॉक्स करने लगे हैं एग्जॉस्ट को. अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन बिटवीन आवर ओल्ड एग्जॉस्ट एंड आवर न्यू एग्जॉस्ट, कि दोनों में कितना डिफरेंस है. और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बिफोर और आफ्टर की आवाज़ भी सुनवाता हूँ. चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं. बॉयज 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 बॉयज, मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर. हियर इज द एग्जॉस्ट सिस्टम. और सारे पैसे ना भाई इसके हैं, इसके. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. सो बॉयज, हियर इज द HKS एग्जॉस्ट सिस्टम. आप देख सकते हैं जो रेजोनेटर का साइज है दोनों में, कितना बड़ा डिफरेंस है रेजोनेटर के साइज में. इसका रेजोनेटर कितना बड़ा है और इसका कितना छोटा है. तो दिस इज अ वेरी बिग मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ एग्जॉस्ट सिस्टम. और दिस इज़ द थिंग विच विल गिव यू रंबल, और एक जो डीप साउंड है वो देगा. हमारे पास इधर एग्जॉस्ट मौजूद है, इट्स अ बर्न टिप एग्जॉस्ट सिस्टम. और बस कार्बन फाइबर का भी ऑप्शन था, लेकिन मुझे बोला गया कि कार्बन फाइबर की टिप ख़राब हो जाया करती है. और सारे पैसे ना इस HKS के लोगों के हैं. जी हाँ, सारे के सारे पैसे इस HKS के लोगों के हैं. सो दीज आर द बोथ एग्जॉस्ट सिस्टम. लेट्स गो. और एग्जॉस्ट सिस्टम हम अपनी गाड़ी में लगाते हैं और लगा के आपको साउंड टेस्ट कराते हैं. यार क्या सोचा था आप लोगों ने, ये गाड़ी इतनी बीस्टी हो जाएगी? मैंने भी नहीं सोचा था वैसे, इतनी तो मैंने भी नहीं सोचा था. और एग्जॉस्ट का मतलब कहीं बैक ऑफ द माइंड आइडिया था, लेकिन सोचा नहीं था लगाऊंगा. थैंक्स टू हाशमी ऑटोमार्ट फॉर सोर्सिंग मी. और इनके पास अभी ये एक ही पड़ा हुआ था स्टॉक में, तो आई एम वेरी लकी कि मुझे एग्जॉस्ट मिल गया. और इनकी पर्टिकुलर गाड़ी में एग्जॉस्ट लगा हुआ था, उसमें आवाज़ सुनने के बाद मैंने कहा दिस इज़ समथिंग जो चाहिए ही चाहिए भाई अपने को. तो
लगाते हैं इसको और आपको आवाज का डिफरेंस सुनवाते हैं दोनों एग्जॉस्ट सिस्टम्स में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। सो बॉयज, मैं एक बात बताऊं, वैसे कभी कभी ना ये व्लॉग्स बनाना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक शॉट लेता हूं और बीच में कभी कोई आवाज़ आ जाती है या मोबाइल बज जाता है। खैर, हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि एग्जॉस्ट लगने के बाद गाड़ी की जो आवाज़ है ना, वो बहुत मज़ा करा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जॉस्ट इज़ के बहुत ज़्यादा कोई लाउड नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, केबिन के अंदर भी आप आवाज़ सुनेंगे ना, तो उतनी आवाज़ है जितनी आनी चाहिए, और वो भी हाई आरपीएम्स पे। लो आरपीएम्स पे आवाज़ नहीं है ना, आइडलिंग पे कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है ना, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जॉस्ट सिस्टम। और भाई, ब्रांडेड चीज़ होती है। एक हम खुद बनाते हैं और एक पूरा कैटबैक सिस्टम HKS ने बनाया है, इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, तो उसकी बात तो फिर अलग ही होगी ना। आई एम लविंग द नॉइज़। और ये आइडिया उफैद भाई का था, जो कि हाशमी ऑटो मार्ट के ओनर हैं, और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम फॉर सजेस्टिंग मी दिस मॉड। उन्होंने मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग मॉड जो है सजेस्ट किया है, जो कि फर्दर कुछ एपिसोड में फ्यूचर की मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बारे में मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर, अब चलते हैं हम घर चल के करते हैं मज़ीद बातें, और देखते हैं अगर घर वालों का कोई रिएक्शन है तो उसे भी नोट डाउन कर। सो बॉयज, मैं इधर बैठा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, और मुझे आवाज़ आई है मेरी गाड़ी स्टार्ट होने की, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ये कौन है। ये आपकी भाभी हैं जो गाड़ी में बैठी हुई हैं। मुझे बहुत देर से बोल रही थी, मुझे आवाज़ सुननी है, और फाइनली दैट रंबल। उधर ना आपकी भाभी जो है ना, वो बहुत 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 खुश हो रही है। और मैं सच बात बताऊँ, लो आरपीएम्स पे ऐसा लगता है बिल्कुल स्टॉक है गाड़ी, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब जब आप सुनना चाहते हैं, जब आप एग्रेसिव होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि गाड़ी में एग्जॉस्ट मौजूद है। जो गाड़ी है वो बहुत ही मॉन्स्ट्रस लग रही है। आई एम लविंग द लुक वॉइस, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी लुक बहुत पसंद आ रहा होगा। सो बॉयज, यूजली मैं रात को निकलता नहीं हूँ, लेकिन आज जो है ना वो स्पेशल दिन है, क्योंकि आपके भाई को सुननी थी एग्जॉस्ट की आवाज़। और खाली सड़कों पे जो आवाज़ आती है ना, वो कहीं और नहीं आती। आप लोग भी सुनो। बकायदा ना, मतलब मज़ा ही आ गया ब्रो, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। तो बॉयज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा, और हम जो इतनी मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का जो सिला है वो यही होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो बेल आइकन को दबा दें। बड़ा हरामी हो बेटा। जी बिल्कुल, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।